हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुकू। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान सी पकोड़ा की रेसिपी, और इस पकोड़ों को हम बिना बेसन के, बिना सूजी के और बिना आटे के बनाएंगे। और इसमें हम सोडे का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर भी ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को बनाना। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप चावल ली है। मैंने यहाँ पर इडली राइस का इस्तेमाल किया है। आपके पास जो चावल अवेलेबल हो आप उस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 टाइम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। इसे वॉश करने के बाद हम इसमें गर्म पानी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है, और इसे हमें सोक करने के लिए रख देना है 30 मिनट के लिए। आधा घंटा हम इसे सोक कर लेंगे। तीस मिनट सोक करने के बाद अब हम इसे मिक्सी जार में डाल देंगे और हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। हमें इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इस तरह से हमें इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 2 उबले हुए आलू, मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, और इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे और इस तरह से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। इसे अब हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अब हम इसमें डाल देंगे नमक। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक का इसमें इस्तेमाल करें। और 2 कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, और इसे हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। और इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज, मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इस तरह से इसे चॉप कर लिया है। हरा धनिया डाल देंगे, और 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पकोड़ों का बैटर बनके तैयार है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो पकोड़ों को फ्राई करने के लिए हमें तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर हमें इसे फ्राई कर लेना है। और जो पकोड़े जुड़ गए हैं तेल में जाने के बाद, उसे हम नीचे से फ्राई होने के बाद इस तरह से अलग कर लेंगे, और पकोड़ों को हम दूसरी तरफ पलट लेंगे, और दोनों साइड से हमें इसे क्रिस्पी गोल्डन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पकौड़े जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं दोनों साइड से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो पकौड़े हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही क्रिस्पी हमारे पकौड़े बनके तैयार हुए हैं, और यहाँ पर आप इसे अंदर से भी देख सकते हैं, और इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो भी कितनी क्रिस्पी बनी है आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उस पर क्लिक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।